अब नेक्स्ट हम टॉपिक देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट नंबर सेट्स। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे क्वेश्चन पेपर में उसमें कुछ सिंबल्स लिखे होंगे, कुछ कैपिटल लेटर्स में सेट होंगे गिवन, बट आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा नंबर सेट है। जैसे एन लिखा हुआ आया, ठीक है, न्यूमेरिकल में कैपिटल एन लिखा हुआ आया, तो कैपिटल एन का मतलब क्या है? कैपिटल एन का मतलब है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स, बस जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऑल नेचुरल, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आपको गिवन है, तो आपको ये नहीं दिया होगा कि एन में 1, 2, 3, 4 है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो एन के अंदर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अगर डब्ल्यू सेट दिया हुआ है तो ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है, यानी सारे नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो भी अगर ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट जेड लिखा होता है, नेक्स्ट इज जेड, जेड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंटीजर्स रहेंगे। तो जेड अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसका मतलब क्या होगा, उस सेट के अंदर जीरो भी होगा, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री अप टू इन्फिनिटी। क्या रहता है क्वेश्चन में, जेड प्लस, तो जेड का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, लेकिन अगर उसके ऊपर प्लस लगा दिया तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स ही, तो जेड के अंदर क्या होगा, 1, 2, 3, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चाहे नेचुरल नंबर टर्म यूज हो, चाहे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यूज हो, इसका मतलब होता है 1, 2, 3, और सिंबल इसमें कैसा लिखा होगा, जेड के ऊपर प्लस लगा होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ होता है जेड के ऊपर नेगेटिव, तो जेड के ऊपर नेगेटिव मतलब सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स मतलब क्या होगा, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर अप टू माइनस नेगेटिव। पी लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो ये इसका मतलब होता है सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से होते हैं। तो पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस नहीं, सिर्फ प्लस वाले। तो p इक्वल टू क्या होगा, 2 जो है वो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से हो सकता है। 3, b, 5, 7, 11 ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। o क्या होता है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, चाहे साइन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ऐसे e का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो जीरो क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, तो इसमें क्या आएगा, जीरो, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, ऐसे सारे नंबर्स जो टू से डिविजिबल हो इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है क्यू, तो क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी नंबर, मतलब रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है कि q इज ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू p बाय q, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मतलब क्या है कि q के अंदर वो सारे नंबर्स आएंगे जो दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पे हमें मिलेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटीजर नंबर को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट नंबर हो जाता है, तो इनफाइनाइट नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगा। तो वो सारे नंबर्स जब जो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर्स। अब देखो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रैशनल होंगे। क्यों, क्योंकि अगर मैं वन की बात करूं तो आप वन को वन से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्यू पी वन हो गया, क्यू वन हो गया, वन की क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है तो वन भी रैशनल नंबर है, ठीक है। टू को वन से डिवाइड करो तो भी क्या होगा, वो रैशनल होगा, क्योंकि टू और वन दोनों इंटीजर है, उन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर टू ही आएगा।
तो सारे इंटीजर्स जो हैं, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर। तो 2/3 ये एक रैशनल नंबर है, -0.4 ये भी एक रैशनल नंबर है, 5.2 ये भी है, 12 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 12/1 इज 12 आता है, तो 12 भी एक रैशनल नंबर है, 0.001 ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्यू से। तो क्यू के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1.5, 2.6, -3.8, 12, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं, जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं, उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो एनी डेसिमल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। ऐसे डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाई है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141592 --, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी क्या होता है? 1.41421 --। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। को क्वेश्चन में इरेशनल नंबर्स नहीं दिए जाते हैं, आपसे बोलते हैं कैपिटल आर है, जो कि रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स मतलब सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का जो सेट बनेगा उसे रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें मतलब डेसिमल फ्रैक्शन वाली भी वैल्यूज होंगी, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, पाई रूट ये वाली वैल्यूज भी होंगी। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, जिसमें जीरो नहीं होता है। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। फिर आते हैं होल नंबर्स, जिसमें जीरो भी आ जाता है, यानी 0, 1, 2, 3। तो नेचुरल नंबर्स के बाद आते हैं होल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर्स तो होते ही हैं, साथ साथ जीरो भी होता है। फिर आते हैं इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, यानी ये सारे नंबर्स तो होते ही हैं होल नंबर्स, और साथ ही साथ इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है? फ्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, सारी वैल्यूज जो पॉइंट्स में होती हैं वो आती हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर हमने देखा इरेशनल नंबर्स, जो कि पाई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जिनको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो रियल नंबर्स क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, दैट मीन्स नेचुरल, होल्स, इंटीजर्स, रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें ये सारे नंबर्स तो रहते ही हैं, साथ साथ में इरेशनल नंबर्स भी रहते हैं।